हिम्मते मर्दा मददे खुदा, और मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कुछ इन्हीं पंक्तियों को असली जामा पहना रहा है अमेठी के दादरा गांव का रहने वाला अमर। अमर पैरों से दिव्यांग है, लेकिन उसके हौसले की उड़ान इतनी ऊंची है कि परिंदा भी शर्मा जाए। अमर स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है और मूर्तिकारी भी करता है। देखिए एक बच्चे के अदम्य साहस पर प्रकाश डालती हमारी ये खास पेशकश। दादरा गांव का रहने वाला 12 साल का अमर बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है। अमर दादरा के एक स्कूल में 8वीं का छात्र है। अमर की दिव्यांगता उसके काम में बाधा नहीं बन रही है। अमर ट्राईसाइकिल चलाकर स्कूल जाता है और स्कूल में वो हमेशा चौथी रैंक पर रहता है। अमर न केवल पढ़ाई में तेज है, बल्कि वो एक अच्छा मूर्तिकार है। तस्वीरों में आप खुद देख लें कि भले ही अमर घिसट घिसट कर चलता हो, लेकिन वो कहीं से भी निराश नहीं है। उसके हौसले बुलंद है। अमर के पिता एक मजदूर हैं, वही उसकी माता गृहिणी हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती। अमर न केवल घर का काम करता है, बल्कि ट्राईसाइकिल चलाकर घर के लिए सब्जी भी लाता है। अमर की प्रतिभा के कायल केवल उसके साथ पढ़ने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि उसको पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। लगन है कि मूर्ति बनाता है, पढ़ाई के साथ साथ मूर्ति कला का जो है बहुत बढ़िया बनाता है। क्षेत्र में लोग खरीद कर ले जाते हैं, दुर्गा पूजा में गणेश लक्ष्मी दुर्गा आदि मूर्तियां बनाता है। और इसके अलावा खेल कूद में वो बच्चा सब बच्चों के साथ खेलता है। हाई जंप 3 फीट हाथ से किया है वो बच्चा, पैर न होने के बाद भी हाथ से किया है। तो पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चा खेल कूद सर्वांगीण विकास में मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। अमर के घर की हाल बेहद खराब है। उसके पिता जयप्रकाश मजदूरी करते हैं, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। वहीं उनका बेटा भी दिव्यांग है, इसलिए वो कभी कभी निराश हो जाते हैं। वहीं अमर अपने हौसलों से रोज नई नई इबारत लिख रहा है। अमर का सपना बड़े होकर मूर्तिकार बनने का है। अमर मूर्ति कला में माहिर है, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसे किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले, जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। दोनों पैरों से लाचार होने के बाद भी अमर को जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि वो दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा दे रहा है। अमर की प्रतिभा के कायल गांव के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। वो कहते हैं कि सरकार को इस विलक्षण छात्र की मदद करनी चाहिए। ये बड़ा होनहार लड़का है। बचपन में आग लगने के कारण इसके दोनों पैर जल गए और जिसकी वजह से दोनों पैर काटना पड़ा। ये लड़का इतना होनहार है और पढ़ने में भी बहुत ब्रिलियंट है। इसके प्रोत्साहन के लिए हम लोग भी इसका सहयोग कर रहे हैं और लड़का भविष्य में चलकर बहुत अच्छा कार्य करेगा। होनहार अमर केवल अमेठी के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। अमर की जिंदा दिली देखिए कि दोनों पैरों से दिव्यांग होकर भी वो इतना खुश है। आज के समय में जब इंसान छोटी छोटी घटनाओं से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, उन लोगों के लिए अमर एक प्रकाश बिंदु है। अमर के साथ प्रकृति ने मजाक किया है, लेकिन कोई भी ताकत अमर के हौसलों को डिगा नहीं सकती। अमर को देखकर लोग कह सकते हैं कि बेचारा अभागा है, लेकिन अमर खुद को अभागा नहीं बल्कि भाग्यशाली मानता है। अमर ने साबित कर दिया है कि वो गुदड़ी का लाल है। फिलहाल इस मामले में देखना अहम होगा कि इस होनहार बच्चे की योगी सरकार कितना मदद करती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।